साउथ इंडियन फूड पैराडाइज माटुंगा के बारे में हम सभी जानते हैं, पर आज हम उससे थोड़ा सा आगे इनके साइन में हैं, शानमुखानंद हॉल के थोड़ा ही पास में। और यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड, और इसका नाम है मद्रास टॉकीज। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है आप जानोगे तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे, क्योंकि मेरा दावा है कि आपने ये डिशेस नहीं खाई होंगी। वीडियो को एंड तक देखिए, मुझे बताइए कि आपने कौन सी डिशेस नहीं खाई है। खास स्पेशलिटी यहाँ की ये है ना कि 80% ऑफ द मेन्यू आर जैन रेसिपीज। सो आप यहाँ पे आके साउथ इंडियन का मज़ा तो ले सकते हो, साथ में जैन फूड भी एंजॉय कर सकते हो। चलते हैं मद्रास टॉकीज में, देखते हैं कौन सी यूनिक डिशेस है और कैसी बनती है, क्या स्वाद है, आइए। तो मद्रास टॉकीज में कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो डेली आपको मिलती है, स्पेशल आइटम ऑफ द डे। तो आज यहाँ पे ये मुझे दाल बड़ा दिखाई दे रहा है। आपको केला का भजी है वो आपको 3 रुपए का मिलेगा, मैंने ये देखो आपको मसाला पनीर मिलेगा, आज का फ्राइडे के दिन आपको दाल वड़ा मिलेगा। ऐसा हर टाइम आपने को अलग अलग आइटम आपको स्पेशल मिलेगा। हाय, सो यू आर एट अ फ्लैगशिप स्टोर ऑफ मद्रास टॉकीज। इट्स आवर फर्स्ट स्टोर, स्टार्टेड इन अप्रैल 2021। इट्स अ 2-year-old ब्रांड। दिस ब्रांड इज ऑल अबाउट हैविंग ऑथेंटिक साउथ इंडियन माउथ वाटरिंग फूड। So my cafe specialty is coconut idli, Sri Lankan idli. This is something you have only would you only taste it in Madras Talkies. Madras Talkies में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम तो मैंने पहले कभी सुने ही नहीं है, और अगर आपने सुना हो तो वीडियो देख के एंड में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी डिश आपने कहाँ पे देखी है या खाई है। तो ऐसी ही कुछ यूनिक डिशेज में से दो मैंने सबसे पहले लिए। दिस इज कॉल्ड कोकोनट इडली। इसका जो लुक है ना दही वड़े की जैसे दिखाई दे रहा है, अंदर क्या डिफरेंट है ये देखते हैं। वाओ, इतनी डिफरेंट डिश पहले कभी नहीं खाई। दही वड़े से तो रिजेंबल करती है, ये डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो बताती हूँ। इसमें जो इडली है ना ये रवा इडली के बैटर से बनाई हुई है, क्योंकि वो पोरस वाला जो टेक्सचर होता है ना, हल्का हल्का सा रवे वाला, वो मुँह में आ रहा है। और यार बीच में देखोगे ना ये पीनट्स डाले हुए हैं इसके अंदर, कम्प्लीटली डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया। और ये जो चटनीज डाली हुई है ना कोकोनट इडली में, इसका तो अलग ही मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इसका नाम कोकोनट इडली क्यों है, क्योंकि इसमें तो कोकोनट के पीसेस भी मुझे आए नहीं, नामो निशान ही नहीं है इसमें कोकोनट इडली का। इससे अच्छा इसको दही इडली भी नाम दे सकते थे। बट फिर मुझे पता चला कि जब इन्होंने ये आउटलेट स्टार्ट किया था तब ये कोकोनट शेल्स में इसको सर्व करते थे, एंड हेंस द नेम। और ऊपर दही डाला हुआ है, चिल्ड दही है, हल्का सा स्वीट है और कोड़ी मसाला। So it's an amazing combination of South Indian idli with this dahi. Definitely must try. I love your pineapple shira, whatever combo food they give. Like the thakri idli is good. My most loved is a meat vada because always it's hot and crispy. Even if I order in my place. और ये जो next मैंने लिया है, again ये भी बहुत ही unique है. This is called Sri Lankan idli. ये नाम भी पहले कभी सुना नहीं, कहीं देखी नहीं श्रीलंकन इडली। आपने देखी है तो मुझे बताना कहाँ देखी है, कैसी होती है। फिलहाल मद्रास टॉकीज में जो श्रीलंकन इडली है इसे देखिए, यहाँ पे इडली दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़े बड़े पीसेस है इडली के, और इसमें कुछ स्टू डाला हुआ है वाइट कलर का और तड़का दिया हुआ है। सो देर इज़ वन ड्राई रेड चिली, करी पत्ता दिखाई दे रहा है, कुछ वेजीज दिखाई दे रहे हैं। मैं तो जब इडली खाती हूँ चाहे सांभर हो चाहे स्टू हो, हालांकि स्टू के साथ तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ, डिप करके खाना ही मुझे बहुत पसंद है। वाओ, द इडली इज सो सॉफ्ट। दिस इज कोकोनट स्टू, हल्का सा गर्म है। इडली का तो टेस्ट वैसा ही है बिकॉज ये बैटर भी सेम है, रवा इडली वाला बैटर है। द इडली इज नाइस दो, बट स्टू के साथ कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट। सच बोलूँ ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इडली को स्टू के साथ भी खाऊंगी, बिकॉज कभी अप्पम के साथ में स्टू वगैरह मिलता है ना, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं कोकोनट चटनी के साथ ही खाती हूँ। बट आज ये स्टू के साथ खा रही हूँ ना, दिस इज़ रियली यमी। जो कोकोनट का स्टू है ना, इतना अच्छा, इतना यमी लग रहा है, इट इज़ सो फ्रेश। बिकॉज ये लोग यहाँ पे वो जो स्टू का पाउडर होता है ना पैकेट में मिलता है, उससे नहीं बनाते, जैसे यूजुअली बहुत सारी जगह पर बनाया जाता है, फ्रेश कोकोनट मिल्क ही यूज़ करते हैं। मतलब सुबह शाम शायद दो बार ये लोग बनाते हैं, बिकॉज उसकी फ्रेशनेस चली जाएगी तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सो व्हेनेवर यू ऑर्डर दिस यू विल ऑलवेज गेट इट फ्रेश इज़ व्हाट दे से। This is also a must try if you happen to visit Madras Talkies. We have our deliveries happening from the central kitchen twice in a day, and everything is freshly made. We
we do not use soda in our batter, which is naturally fermented. So there is no health issues that you can have. This is a meal which you can have 4 times in a day in snacks, breakfast, lunch or dinner. It's easily digestible by any age group, say it and senior citizen or a baby. This brand is very, very dear to us and we have a flagship store in Sion and an outlet in Powai and coming up one in Thane. Madras Talkies ka franchisee outlet, agar aap lena chahte ho, to aap uske inquiry bhi diye hue numbers pe kar sakte ho. It is. My favorite dish is idli because in idli there is chutney also, so I love chutney. You love idli or you love chutney? Both. एक्चुअली मैंने मोस्टली सभी ट्राई की है और उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को जो पसंद आया वो है ये ओनियन उत्तपम, फिर दवंगरी डोसा करके है, उसमें वाइट बटर के साथ कुछ होता है, वो भी समथिंग डिफरेंट है जो मैंने कभी एक्चुअली कहीं नहीं देखा था, तो कभी ट्राई भी नहीं किया था, तो दैट इज़ ऑसम. बाकी ओवरऑल सभी आइटम्स इतनी अच्छी है और हमारे एरिया में था ही नहीं एक्चुअली, तो अभी तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में. अभी हम लोग रूटीन हो गया है, सो एक्चुअली हम मेरी बेटी को छोड़ने जाते हैं, आके यहाँ पे चाय पीते हैं और हाँ सबसे मॉर्निंग में हम यहाँ से शुरू करते हैं उपमा, पोड़ी उपमा करके, उसमें वो कुछ मसाला डालते हैं ऊपर पोड़ी करके और वो उपमा, वो भी हमको बहुत पसंद है और इनकी चाय भी बहुत अच्छी होती है. मतलब ओवरऑल एवरीथिंग इज रियली नाइस एंड डिलीशियस एंड मेन थिंग इज सबसे सब अच्छी बात यह है, एक स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का और दूसरा है यहाँ पे हाइजीन बहुत है. जिनी डोसा तो आजकल बहुत जगहों पे कॉमनली अवेलेबल होने लगा है, मगर मद्रास टॉकीज में जो जिनी डोसा है थोड़ा सा अलग है. कैसे अलग है? बिकॉज यहाँ पे जैन रेसिपी मिलती है जिनी डोसा की. सो ऑल द जैन्स एंड दोस पीपल जो सात्विक खाना खाना पसंद करते हैं, प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं, वो तो वाकई में खुशी हो जाएंगे खा के. बहुत ही बढ़िया क्रिस्प डोसा सिका हुआ है, ये देखिए काफ़ी सारी स्टफिंग डाली हुई है इसमें. इट्स लोडेड विथ टमेटो, कैप्सिकम, पनीर भी दिखाई दे रहा है मुझे इसमें. तो जिनी डोसा के अंदर कुछ अलग सा फ्लेवर आ रहा है जो डोमिनेंट है, आई थिंक अ मिक्स ऑफ रसम पाउडर, सांबर पाउडर, जो भी इनके पाउडर है, जो उनका स्पेशल जिनी मसाला है वो ही डिफरेंट एंड हेंस द टेस्ट इज डिफरेंट. तो चीज़ एंड पनीर डाला हुआ जैसे बाकी जगह पे मिलता है, बट स्टिल इट इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल मसाला. चटनी एंड सांबर आर ऑल्सो जैन इन एनी डिश दैट यू ऑर्डर. तो वाकई में मद्रास टॉकीज में थिंग्स सीम टू बी क्वाइट ऑथेंटिक, क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें ट्राई की है काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट लग रहा है यहाँ का. और इसी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो ना इतना सारा क्राउड कंटिन्यूसली फ्लो इन हो रहा है. तो आप ट्राई करते हैं कि कोकोनट चटनी. बहुत ही बढ़िया. द कंसिस्टेंसी इज मीडियम, नॉट वेरी थिक एंड नॉट वेरी थिन, बट ऑन अ थिकर साइड. सेम राई करी पत्ता, हरी मिर्च, बट बहुत ही बढ़िया टेस्ट है. जो सबसे खास बात है वो ये है कि कोकोनट यूज़ किया जो वो एकदम फ्रेश है, इसके लिए टेस्ट बहुत बढ़िया है. लेट्स ट्राई द सांबर. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ वेजीज इन द सांबर, रनी कंसिस्टेंसी है. वाओ, सांबर इज ऑल्सो फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग. जो खट्टापन है ना टमाटर से तो आ ही रहा है और मुझे टमाटर का खट्टापन दाल में सांबर में हर जगह पे अच्छा लगता है, जैसे यूजुअली सांबर को होना चाहिए. सारे वेजीज का सूप इसमें आ रहा है, टेस्ट इज रियली गुड. द अदर स्पेशलिटी डोसा दैट वी हैव इज चटना डोसा एंड दवनगिरी डोसा. मसालाज आर बोथ फ्रेशली मेड हियर, दे आर ड्राइड हियर एंड दे आर मिक्सड हियर एंड मेड फ्रेशली फॉर ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट वी कुक एट द कैफे. बहुत सारे वैरायटी के डोसे मिलते हैं यहाँ पे, पर आज मैंने तो डिसाइड ही कर लिया है कि मद्रास टॉकीज में कुछ यूनिक वाली डिशेज ही आपको दिखाऊंगी. वैसे भी मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ अलग चीज़ें दिखाऊं. तो ये यहाँ पे है दावनगिरी डोसा, दो इट इज़ नॉट वेरी कॉमन इन मुंबई. जो डोसा है ना बहुत ज़्यादा थिक है, ऐसा लग रहा है कि डबल लेयर्ड डोसा है, इतना थिक है. ऊपर पोड़ी मसाला स्प्रिंकल किया हुआ है, दिस लॉट्स ऑफ हरा धनिया. 2 pieces आते हैं डोसे की एक प्लेट में अलॉन्ग विथ कोकोनट चटनी, सांबार और यहाँ पे आलू की सब्जी भी दी हुई है. सो देखने में वेरी सिंपल प्लेन बॉइल्ड आलू की सब्जी है, इसमें हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं है. डोसा वाकई में सॉफ्ट है, स्पॉन्जी ज़्यादा है सॉफ्ट से भी. और ये जो आलू की सब्जी है ना, इट इज़ प्लेन बॉइल्ड पटेटो सब्जी. तड़का है उड़द की दाल, राई, हरी मिर्च, बहुत सारा हरा धनिया है. बट जैसे मसाले डोसे की सब्जी होती है ना मसाले वाली, उसमें हल्दी डाला होता है, वैसा नहीं है.
फिर भी ये बहुत अच्छी लग रही है इस डोसे के साथ में। एक्चुअली दावणगिरी डोसा मैंने पुणे में बहुत खाया है, बट वहाँ पे प्लेन सिंपल डोसा सर्व किया जाता है। खास बात ये होती है ना इस डोसे की कि इसे वाइट बटर में बनाया जाता है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही फ्लेवरसम हो जाता है। सो मद्रास टॉकीज डज सर्व डेली स्पेशलिटी आइटम्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू संडे वी डू हैव स्पेशल डिशेज सर्व। फॉर राइसेज वी हैव वैरायटी ऑफ कर्ड राइस, वेज पुलाव, कोरमा, वेज बिरयानी, लेमन राइस, सांभर राइस एंड अदर डिशेज दैट वी सर्व इज कांचीपुरम इडली, केला भजी, वी हैव दाल बड़ा, पन्यारम, वी ऑल्सो हैव अपम। And for today's special, we are serving sambar rice and dal vada. Our sambar rice is way different from what you eat outside. We have sambar and rice cooked together with a few vegetables, and it's not something that you get everywhere. Idli और वड़ा डोसा ये सब खाया है और बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ पे। और हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो मतलब ऐसा है कि सायन में यहीं पे हम लोग ट्राई करते हैं। One of the best इडली एंड वड़ा। और क्या चीज़ें आपने? और इसमें यहाँ पे मैंने खाया है जो रवा मसाला डोसा, वो भी बहुत टेस्टी है, वो भी आप ट्राई करिए, वो भी बहुत अच्छा खासा टेस्ट है। और एकदम सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे जो उसका जो मसाला जो रहता है ना, वो बहुत फ्रेश रहता है, वो अच्छी खास बात है मद्रास टॉकीज का। अनदर टाइप ऑफ डोसा, दिस इज कॉल्ड चेट्टीनाड डोसा। आपने सुना है कभी चेट्टीनाड डोसा? सुना है तो बताइए मुंबई में कहाँ मिलता है। तो ये देखिए लुक इसका, थोड़ा बहुत जिनी डोसा को रिजेंबल करता है, बट आई एम श्योर इसका टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है, उतना ज़्यादा लोडेड नहीं है, बट इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई है। आई कैन सी पनीर, टमेटोज एंड देयर सम मसाला एडेड टू इट। तो चलो इसका भी बाइट लेते हैं। कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट में, इसके अंदर ना कैबेज की सब्जी बना के डाल दी है और कुछ मसाला यूज़ किया, चेट्टीनाड मसाला, विच इज़ मेकिंग इट टेस्ट सो डिफरेंट। मद्रास टॉकीज द फर्स्ट स्टोर इज लोकेटेड इन सायन बिहाइंड गांधी मार्केट, डायगनली ऑपोजिट कीकाबाई हॉस्पिटल। एंड टाइमिंग वी स्टार्ट इन द मॉर्निंग एट 7:30 अंटिल 9:30 एट नाइट। वी आर ऑल डेज ओपन। आई जस्ट लव साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी, थोड़ा सा कम स्वीट एंड रियली गुड। We also serve combo meals over here, which are sufficient for one person to have their meal. And we also serve South Indian thali, which is combined of all the speciality items at Madras Talkies, and you can enjoy the entire speciality dishes over here. That's how we have combined all of it together. मद्रास टॉकीज में बहुत सारे कॉम्बो मील्स भी अवेलेबल है, तो अगर आप लंच टाइम में आ रहे हो यानी कि 12 बजे के बाद से पहले, तो आपको वो स्पेशल डिश ऑफ द डे जो मिलती है वो मिलेगी। और उसके बाद में जो कॉम्बो मील्स में है, मिनी ब्रेकफास्ट कॉम्बो है दो तरह के, और दूसरा जो है ये कॉम्बो वन, कॉम्बो टू मैंने ऑर्डर किया है। इसमें आता है हाफ पीस ऑफ खट्टे इडली, वन मेदू वड़ा, मिनी मसाला उत्तपम, शीरा चटनी एंड सांभर। एंड दिस कम्स फॉर प्राइस ऑफ 135 rupees। ट्राई करते हैं थट्टे इडली, ऊपर पोड़ी मसाला दिखाई दे रहा है, द इडली इज वेरी सॉफ्ट, ऊपर पोड़ी मसाला दिखाई दे रहा है। लेट्स हैव इट विद चटनी। थट्टे इडली बहुत कॉमनली अवेलेबल होने लगी है मुंबई में, काफ़ी सॉफ्ट इडली होती है, फ्लैट राउंड शेप होता है इसका, बहुत ही स्पंजी बनी है, यहाँ भी बहुत ही बढ़िया है। और ये मिनी मसाला उत्तपम है, सो आलू की सब्जी दिखाई दे रही है मुझे इस उत्तपम के ऊपर, एंड मिनी तो इसका नाम है मगर फिर भी ये काफ़ी बड़ा है। ये वो सब्जी है जो इस मसाले डोसे में देते हैं, हल्की सी चटपटी, चटपटी बोलेंगे तो, जो पहले हमने आलू की भाजी खाई ना प्लेन वाली उससे थोड़ी सी ज़्यादा, एंड इट इज़ यमी, उत्तपम के साथ बहुत अच्छी लग रही है। स्वीट में इन्होंने इस थाली में दिया हुआ ये पाइनएप्पल शीरा, जो मैंने सुना कि बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको। अमेजिंग, सुपर, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ स्वीट, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है इसमें स्वीट, कभी कभी ज़्यादा स्वीट होता है तो एकदम से दिमाग में चढ़ जाता है, वैसा नहीं है। और जो घी यूज़ किया है ना, ये भी बिल्कुल सही प्रपोर्शन में यूज़ किया है, ना कम है कि सूखा सूखा लगे और ना ज़्यादा है कि ओवरफ्लो होने लगे। पाइनएप्पल एसेंस डाला हुआ है इसमें, तो बहुत ही अच्छा अरोमा एक आ रहा है, द फ्लेवर इज़ रियली गुड।
strongly recommended. हमेशा दोपहर में वगैरह मैं टाइम जब मिलता है मैं इधर आता हूँ. इधर अभी सांबर राइस कर्ड राइस वगैरह मैं हमेशा ट्राई करता हूँ. आज सांबर राइस ट्राई किया है. इस यम्मी बेस्ट मेदू वड़ा है. वाओ, बहुत ही सॉफ्ट मेदू वड़ा अंदर से और ऊपर से क्रिस्प. सांबर में डिप करके खाएंगे. उसी चटनी भी डालूंगी क्योंकि आपको पता है मुझे ऐसे ही पसंद है. Why Madras Talkies as a name? Because Madras is people, everything connected to South food and South Indian, and Talkies is something everybody can connect to or relate to, so the word Madras Talkies has come up with from that. Rava masala and idli or mendu vada mix. No, I come regular, at least once a week. यहाँ पे मिनी कॉम्बो लो तो सब कुछ मिल जाता है उसमें खाने के लिए और पैसा भी काफ़ी सस्ता है. मिनी कॉम्बो में यहाँ पे मिल जाएगा टाट इडली और एक सादा इडली मिल जाएगा, कोकोनट चटनी, सांभर, शीरा, ये मिनी कॉम्बो में मिल जाता है यहाँ पे. हाँ, मेनू है यहाँ का. और यहाँ पे हमेशा मैं केसरी उकाला पीने के लिए आता हूँ. मेरा फेवरेट है यहाँ पे केसरी उकाला, तो हमेशा और रोज़ सुबह या शाम केसरी उकाला पीने में हमेशा आता हूँ. ब्रेकफास्ट में तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है. यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इडलीज, यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसा और उपमा और शीरा. एक ऐसी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे देखा कि काफ़ी रनिंग है क्योंकि इसमें आपको दोनों टेस्ट मिल जाते हैं. नमकीन रवा भी मिल जाता है और मीठा रवा भी मिल जाता है. तो मुझे नवीन जी ने बताया कि यहाँ पे केसरी उकाला बहुत ही अच्छा मिलता है. तो बस बाहर जाते जाते मेरी उनसे बात हो गई और मैंने सोचा कि दो इट इज़ नॉट ऑथेंटिक साउथ इंडियन बट स्टिल आई विल ट्राई इट क्योंकि उकाला मुझे भी बहुत पसंद है. गरम गरम उकाला है. वाओ, ते बढ़िया खुशबू आ रही है इसके अंदर. इट्स क्रीमी, हल्के हल्के से इसमें क्रश की हुए ड्राई फ्रूट्स है जो फर्स्ट सेकेंड सिप में आ रहे हैं. स्वीट बहुत ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं, मीडियम एंड यमी. आपने अगर आज का वीडियो एंजॉय किया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलेंगे किसी और ऑथेंटिक फूड के वीडियो में. तब तक के लिए हॉप योर एंजॉय करो.